आखिरी चीज है। उसके बाद भी अगर आंख नहीं खुलती किसी इंसान की तो मैं नहीं समझता कि वो अपने अपने गिर्द उसने जो ये फला तो जक्कू अनफुसकुम, उसने जो अपने गिर्द तस्किया नस का एक मस्नूई हाला बना लिया है, कभी भी वो उस हाले से निकल सकेगा अगर इस हदीस से भी आंख ना खुली। और वो हदीस क्या है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने उसको अपने जो खुतबात जुमा है उनमें नकल किया है, बेहकी की रिवायत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम अनिक्लिब मदीना तकज़ा व कज़ा बेअहलिहा, अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत जिब्राइल को फला फला बस्तियों को उलट दो उसके रहने वालों समेत। काला फकाला, हुजूर ने फरमाया, इस पर हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, इन फीहा अब्दका फुलानन लम यासिक तरफतैन, परवरदिगार उस बस्ती को उलट दूं उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसत नहीं की। अब आप अंदाजा कीजिए, ये जो है ना अपने आप को रगड़ना और मांझना और पूरी जिंदगी रगड़ने में और मांझने में लगा देना, हम बाज बुजुर्गों के तस्करे में सुनते हैं इतने अल्लाह वाले थे, इतने अल्लाह वाले थे कि उनका घोड़ा भी कोई मशकूक दाना नहीं खाता था, और वो खुद जो है वो अंग्रेज की अदालत में बैठे हुए और अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे। ये है वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का आदम तवाजुन, तागूत की चाकरी कर रहे हैं, अंग्रेज की मुलाजमत कर रहे हैं, अंग्रेज के कानून की तनफीज के अंदर आलाकार बन रहे हैं, लेकिन जाती तकवा और जाती नेकी और जाती लिल्लाहियत जो है उसका मेयार यह है कि उनका घोड़ा भी मशकूक चारा और मशकूक खाना नहीं खा सकता। यह है वो आदम तवाजुन, उसको नोट कीजिएगा, जिसको कि इस हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि अल्लाह फला बस्ती को उलट दूं उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसत नहीं की। जाती नेकी का भी इससे ऊंचा कोई मकाम कोई शख्स मुझे अगर बता सके तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। इससे ऊंचा कोई मकाम होगा कि आंख झपकने जितनी देर भी किसी ने मासियत में बसर नहीं की, जाती नेकी की मेराज। लेकिन हुक्म क्या हुआ बारगाह खुदाबंदी से, काला फकाला, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिब्राइल को, इकलिब है अलैहि वालैहि, उल्टो इस बस्ती को पहले उस बदबख्त पर फिर दूसरों पर। क्यों, फइन वजहहु लम यतमार फी साअतन कत, इसलिए कि इसका चेहरा कभी मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, उस चेहरे का रंग नहीं बदला। बेगैरत इंसान, बदियां फैलती रहीं, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, मेरी शरीयत की धज्जियां बिगड़ती रहीं, अवामिर का मजाक उड़ाया जाता रहा, नवाही के लिए दुनिया के अंदर जिन चीजों से मैंने रोका उसके लिए फलसफे तराशे गए, और ये लगा रहा मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, ये सिवाय जाती अपने उस इस्लाह के और जाती तकवा के और जाती देखी के और जाती इबादत गुजारी के ये मैदान में नहीं आया, इसका खून नहीं खोला कभी, इसके चेहरे का रंग मुतगैयर नहीं हुआ, लिहाजा ये दोहरा मुजरिम है। ये है वो तस्वुर जो यहां पर नोट कीजिए। हां, इसके ये मानी भी नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ रहे, रोजा भी नहीं रख रहे, इकामत दीन के कारकुन है, फर्ज नमाज आ गई है वो चली जा रही है, जमात का कोई एहतमाम नहीं है। अब ये दो इंतहाएं हैं, एक इंतहा यह कि वो तज़किया नफ्स जो है उसी में वो रगड़ने और मांझने का अमल जारी है, एक ये कि उसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, अपनी जात से बहस ही नहीं, वो कैफियत वो हो गई है जो यहूद की आई है कुरान मजीद में, क्या तामरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौन अन्फुसकुम व अंतुम तत्लून अल किताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते और अपने आप को भूल जाते हो, ये दूसरी इंतहा है। फिर वही बात अर्ज करूंगा, वही बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता है जिस पर चलना होगा, कि न ये हो कि वो मुबालगा हो रहा हो, अपनी जाती इस्लाम में तो मुबालगे की हद तक आगे जा रहे हैं, और दूसरे ये कि अपने दीन की तबलीग और इशात इकामत दीन की जिद्दोजहद उसका खाना ही नहीं खोला जिंदगी में, वो खाता ही नहीं खुला है। ये एक इंतहा है। दूसरी इंतहा यह है कि इंसान ये समझे अपने आप को कि मैं तो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और दीन का कारकुन और दीन का मैं अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करने वाला हूं, जबकि हाल ये हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि अभी आपने डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो को देखा, और जैसा कि इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद ने एक हदीस जो थी वो बताई, जो कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ोजल ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि भई ये जो बस्ती है ना सारी की सारी उल्टा दो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि हदीस बताई है, तो उसमें यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि ये बस्ती जो है वो उल्टा दो, तो क्या हुआ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, इस बस्ती में तो तेरा एक नेक बंदा है जो कि यानी कि वो हर टाइम तेरी तस्बीह करता है और ये और वो,
तो अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले उसको लटकाओ। उसकी रीज़न ये है कि देखें, इसमें साफ और सीधी बात जो समझ आई है वो ये है कि अगर हम लोग, जैसा कि उन्होंने मिसाल दी कि हम नेक हैं, हमने कभी गुनाह नहीं किया, हम हर चीज़ अल्लाह की फरमाबरदारी में करते हैं, लेकिन हम किसी को अगर रोकते नहीं हैं और किसी को हम तालीम नहीं देते, अल्लाह का दीन नहीं फैलाते, किसी को कहते नहीं है बस ठीक है और हम खुद कर रहे हैं अंग्रेज़ों की चाकरी, या हम उसी सिस्टम का हिस्सा बने हुए और हमने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो हम बल्कि उनसे ज़्यादा गुनाहगार हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह तआला आप सबको दीन में इस्तेकामत दे। वाकुरुद्दमाना अलहम्दुलिल्लाह।